आइए, आपका स्वागत है। आज मैं न्यूरोटिक डिप्रेशन के बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। सुबह सुबह एक कॉल मुझे आज आया, करीब 28 साल का लड़का, और वो बात करने लगा कि उसको कितनी परेशानी है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ एक केस स्टडी डिप्रेशन की। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्त तकनीक महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ये लड़का 28 साल का था, वो बातचीत करने लगा और अपनी कहानी अपनी जुबानी बोलने लगा कि उसको एक तो बहुत नर्वसनेस आता है, सुबह उठने से थोड़ा अच्छा लगता है, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू हो जाता है, नर्वसनेस, सैडनेस आता है, और उसको बार बार निगेटिव थाट्स आते रहते, नकारात्मक विचार आते रहते। एक तरीके कंटिन्यूसली निगेटिव थाट आएंगे, मैं बाहर जाऊँगा तो कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं काम करूँगा तो अपने को लॉस आ जाएगा, फिर मैं किसी के साथ में बातचीत करूंगा तो मुझे अच्छा नहीं बोलेंगे, तो कभी रोना आता है, कभी बाहर किसी से मिलना जुलना है तो इच्छा नहीं होती, लोग बोलते तो आता नहीं बाहर, क्या बात है, तो क्यों नहीं आ रहा है, तो और बार बार कभी ऐसा लगता है कि भाई जी के जीना जी के क्या फ़ायदा है, कभी भूख लगती है, कभी भूख लगती नहीं है, फिर घर के लोगों के साथ में खाना खाने बैठेंगे, कभी नहीं बैठेंगे, कभी अकेले ही खाना खा लेंगे, कभी रोना आ जाता उसको। मेन चीज़ उसकी थी कि भाई बार बार निगेटिव विचार आना, और एक तरीके निगेटिव ऑनगोइंगली कंटिन्यूसली विचार आ ही रहे उसको, कंटिन्यूसली आ रहे निगेटिव विचार, और फिर उसको लगता है कि अपने जीवन में कुछ पड़ा नहीं है, नींद नहीं आती, नींद समझो आ गई तो रिफ्रेशिंग नींद नहीं होती, सुबह उठने के बाद में ऐसा लगता नहीं कि नींद हुई करके, उसको लगता है कि दिन भर में सोऊं तो अच्छा है या फ्रेश नींद नहीं हुई, नींद हो गई तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे सपने रात भर थे इसलिए मेरे को फ्रेश नहीं लग रहा है, और नींद हुई नहीं उसको ऐसा लगता है, और फिर कोई काम में कॉन्सेंट्रेशन नहीं, भुलक्कड़पना आता है, उसको लगता है कि ऐसा जीना जी के फायदा ही क्या है, मैं ऐसा क्यों जीना जीऊँ, फिर कभी लगता है कि भाई मैं खुदकुशी कर लूँ, उसने एक दो बार खुदकुशी करने की कोशिश भी किया, दो चार गोली भी खा लिया मगर उससे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसने सीरियस अटेम्प्ट नहीं किया था, उसको लगा नहीं मैं जाऊँगा तो मेरे माँ बाप की तरफ कौन देखेगा, उनको देखना भी चाहिए, या फिर ऐसा कुछ रहा तो लोग क्या बोलेंगे मैंने खुदकुशी कर लिया, तो इसलिए खुद कुछ भी नहीं करता है वो, विचार आते जरूर है, और फिर एक तो निगेटिव विचार के जरिए फिर काम नहीं करना, काम नहीं किया तो फिर अकेले बैठना, अकेले बैठा तो और निगेटिव विचार आना, किसी मिलना जुलना नहीं, फिर लोग बोलते कि भाई तू दिखता नहीं है, मिलता जुलता नहीं, क्या बात है, और फिर उससे फिर लोगों में जाना ही टालना, क्योंकि लोग फिर वही पूछते हैं, फिर अकेले बैठेंगे तो और विचार आते रहते, उसको परेशानी इतनी है, बेचैनी रहती है, कंसंट्रेशन काम में नहीं है, फिर इधर से उधर घूमेगा, उधर से इधर जाएगा, फिर कभी थोड़ा सा काम करने चले जाएगा, काम भी करेगा, कुछ पैसा भी कमाएगा, मगर जीने में मज़ा नहीं आ रहा है, उसको घर के लोग बोल रहे कि चल शादी कर ले, कम से कम शादी करेगा तो अच्छा लगेगा तेरे को, लोग लगता है कि शादी करेंगे तो सब ठिकाने पर आ जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है, उल्टा है, शादी करने से और टेंशन बढ़ जाता है, तो मगर शादी करने के लिए भी वो तैयार नहीं है, क्योंकि शादी करके और नुकसान होगा, क्योंकि उसको लगता है कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं सेक्स नहीं कर पाऊँगा, और सेक्स नहीं कर पाऊँगा तो फिर औरत पत्नी निकल जाएंगी, उसको मैं क्यों फंसाऊँगा, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे उसके विचार आ रहे हैं। जब उसको उसने मुझे कांटेक्ट किया सुबह सुबह, तो उसको मैंने बताया कि देखो भाई आपको ये निगेटिविटी आपके दिमाग में पूरी भरी हुई है, 101% आपको मतलब आपका पूरा ब्रेन जो है वो विचारों से व्याप्त है, पूरे निगेटिव विचार है, आपको उसमें कुछ दिखाई देता नहीं कि कोई पॉजिटिव जीवन में है करके, आपको काउंसिलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, काउंसलिंग जब हम करेंगे तो काउंसलिंग से आपको नई 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 संभावना दिखना चालू हो जाएगा, और फिर वहाँ से फिर आप नया जीवन जीना चालू करेंगे। हिप्नोसिस भी इसमें काम में आता है, मैं आपको सेल्फ हिप्नोसिस सिखाऊंगा ऐसा मैंने उसको बताया, और बाद में फिर आप सेल्फ हिप्नोसिस का प्रयोग घर में करते हैं तो वहाँ से सबकॉन्शियस माइंड में अंतर मन में निगेटिविटी निकल के पॉजिटिविटी अंदर जाएंगे और वहाँ से उसको अच्छा लगना लगेगा। उसको मैंने ये बताया कि मैं आपको दवाई भी देता हूँ कि दवाई से आपको अच्छा लगेगा, वो जो अंदर केमिकल लोचा है तो वो ठीक होने में मदद हो जाएगी। दवाइयाँ ऐसी है कि SSRI है या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है या जो भी नई दवाई अभी नई 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 एंटी डिप्रेसेंट निकली हुई है उससे बहुत फ़ायदा होता है और लोगों को अच्छा लगने लगता है, तो वो भी आपको दवाई में देता हूँ, वो दवाई लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ साइकोथेरेपी है, सम्मोहन उपचार है, मेडिटेशन है, सब करके आपका जीवन आप अच्छा जी सकते हो। तो जब मैंने उसको बताया तो उसको विश्वास आया कि ठीक है मैं अच्छा हो सकता हूँ, क्योंकि उसने सीरियसली कभी
इसका इलाज करने की कोशिश ही नहीं की थी, बस अपने आप ही घर में बैठे रहा। जब उसने मेरे पहले वाले वीडियो कुछ देखे तो उसको ऐसा लगा कि नहीं, ये बीमारी अच्छी हो सकती है और उसका जीवन में अच्छा जीवन जी सकता है। तो इस तरह का उसने मंजूर किया कि भाई ठीक है, मैं आऊँगा और आपसे इलाज करके मैं जीवन मेरा अच्छा जीऊँगा। तो ये वीडियो लोगों को शेयर करना बहुत जरूरी है, आपके जितने भी ग्रुप से उसमें शेयर करो, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं ऐसे डिप्रेशन से, उनको सामने दिखाई देता नहीं है, उनको दिखता है नर्वसनेस, होपलेसनेस, कुछ होगा नहीं, क्योंकि बहुत कंपटीशन है ना, स्पर्धा बहुत है, दौड़ धूप चालू है लोगों की, सर्वाइवल का गेम है, जहाँ वहाँ लोग दौड़ रहे, लोगों को लगता है कि अपन टिकेंगे नहीं स्पर्धा में, है ना, बहुत कॉम्पिटिशन है उसमें, टिकेंगे नहीं ऐसा लगता है, लॉस हो जाएगा, लोग हिम्मत करते नहीं कुछ करने की, और फिर कुछ तो भी हो जाता है और फिर दिमाग में एक बैठ जाता है कि अपन वो अपने में वो काबिलियत नहीं है, मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, और अकेला जब हूँ मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं है, तो आदमी धीरे धीरे विड्रॉ होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए साइकोथेरेपी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। लोगों को ज़्यादा लोगों को ये वीडियो फैलाओ, अपने ग्रुप में शेयर करो, ताकि लोग अपना जीवन अच्छा जी सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।